पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को एक बार फिर से सजा होने के बाद इनेलो ने पार्टी की मजबूती के मकसद को लेकर अभय सिंह चौटाला ने अपनी पत्नी कांता चौटाला को महिला कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें फील्ड में उतार दिया है। उन्होंने सोमवार को सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और जजपा के गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा है कि वह जो खिचड़ी पका रही हैं, वह समझ नहीं आ रही है। गठबंधन है तो उन दोनों पार्टियों का कैंडिडेट एक ही सीट पर कैसे खड़ा है। कांता चौटाला भी अब फील्ड में उतर कर महिलाओं से मुलाकात कर पार्टी को मजबूत करने के कार्य में जुट गए हैं। सोमवार को सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पार्टी को मजबूत करना ही मकसद है। यह परिवार का ही निर्णय है कि उनको भी अब महिलाओं की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब कांग्रेस जो अपने विधायकों को लेकर कहीं पहुंच गई है, रायपुर गई है और राज्यसभा चुनाव है, तो क्या किस नजरिए से देख रहे हो, क्या कहना चाहते हो? ये उनका डर है कि भी जैसे पिछली बार हुआ था, अब एक ही बात सारे लोग बोलते हैं तो थोड़ी बोरिंग लगने लग जाती है, तो वो ही बात ना हो जाए दोबारा। लेकिन जिनको करना होगा, आप उनको 10 दिन घुमाओ चाहे एक महीने बाहर रखो, वो आएंगे उसी टाइम कर देंगे। कराने वाले हुड्डा साहब हैं। जैसे अब नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हो? इनेलो ने भी अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा। हम मैदान में हैं और टक्कर में हैं पूरी, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। भाजपा के बारे में क्या कहना चाहते हो? भाजपा कहती है कि भाजपा के नेता कहते हैं कि जो इनेलो जो है अब उसकी वो पहले वाली शक्ति नहीं रही। देखिए, क्योंकि परिवार के दो हिस्से हो गए। हाँ बिल्कुल ठीक, परिवार के दो हिस्से हो गए, लेकिन इनेलो एक सूरज की तरह है। ठीक है, सुबह सूरज निकलता है, दोपहर में शिखर पे होता है, शाम होती है ढल जाता है, ये हमारी शाम है, कल नया दिन निकलेगा, कल फिर हम जगमगाएंगे। मैम जब इधर सौंपा है मुझे, बल्कि ये कह लो कि हम सबने मिलजुल के ये फैसला कराया है कि भी सबको मिलके करना होगा। हमारी जैसे पार्टी की सुनैना जी हैं, वो बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन सबको मिलके जुल के काम करना होगा, पूरे परिवार को, और जितने भी हमारे पूरा परिवार मतलब इनेलो के जितने भी लोग हैं वो सारा हमारा पूरा परिवार है, तो सब मिलके मेहनत करेंगे तभी हम एक पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे। ये कोई प्लानिंग नहीं है, मैं तो यूं सोच के आई हूं कि भी जैसे महिला है, अब अकेले वो कितनी जगह जाएंगे, तो हम जितने ज्यादा घर से निकलेंगे, जितनी ज्यादा अपनी महिला बहनों से जुड़ेंगे, माताओं से जुड़ेंगे, उतनी उनकी समस्याएं भी जान पाएंगे, और एक उनके साथ पर्सनल लगाव भी है कि भी ये हमारी पार्टी के हैं, या जो भी कार्यकर्ता है या मतदाता है, जब तक हम उनसे पर्सनली नहीं मिलेंगे, कनेक्ट नहीं होंगे, वो हमें नहीं जानेंगे या हम उनको नहीं जानेंगे, तो हम एक दूसरे को समझेंगे। उनकी खिचड़ी मुझे भी समझ में नहीं आई, एक दो जगह ऐसी है, अभी कल ही किसी ने बताया मुझे, नाम मेरे ध्यान में नहीं है, वहाँ दोनों के प्रत्याशी खड़े हैं, तो फिर कैसा गठबंधन, मुझे समझ में नहीं आई उनकी खिचड़ी या जो भी उनकी आपस की है, मुझे नहीं समझ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।